और ये खूबसूरत जो की गीत और भोजपुरी जगत के वो आपके चाहते कलाकार उपस्थित थे। और लीजिए आपका प्यार एक बार आपका स्नेह पाने के लिए इस मंच के माध्यम से उपस्थित होने आ रही हैं, जिन्होंने आपका प्यार आपका स्नेह पाकर इस मंच के माध्यम से उपस्थित हैं, वो खूबसूरत गायिका जो बेमिसाल गीत हर अंदाज में पेश करने के लिए वो काबिलियत रखती हैं और आज इस मंच पे उपस्थित हैं, भोजपुरी जगत के लोकप्रिय गायिका मिस निशा उपाध्याय। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे दोस्तों। हेलो 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 आज बहुत ही खुशी की बात बा, बहुत ही पावन समय और बहुत ही पावन दिन है कि आप सभी तमाम जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, आप सभी से मिलने का मौका मिला है। तो आप सभी तमाम दर्शकगण, तमाम श्रोतागणों को मैं निशा उपाध्याय, मेरे फैंस, मेरी पब्लिक दिख तो नहीं रही है, लेकिन आप लोगों को यदि मैं दिख रही हूँ तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आज बहुत ही खुशी की बात है, साउंड वाले भैया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सिटी मार रहा है थोड़ा सा। आज महाशिवरात्रि के शुभ उपलक्ष पे आप सभी तमाम दर्शकगण के बीच में कुछ गाने का बजाने का मौका मिला है और बहुत सारा धन्यवाद हम मोनू उलबेला जी को देंगे कि उनके कारण फिर मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला है। और यहाँ के जितने भी कमेटी के सदस्यगण हैं, जितने भी कमेटी के मेंबर्स हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी तमाम श्रोतागणों को आइए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि फिर थोड़े देर बाद के दो घंटे बाद फिर से होगा प्रोग्राम, तब तक मैं फिर से रेडी होकर के आ जाऊंगी, आप लोग जरूर आइएगा। और बहुत बहुत आभार प्रकट पप्पू जी और सावन जी जिनके माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है, सभी कमेटी के सदस्य को बार बार मंच से ही उनको बार बार धन्यवाद देते हैं। और आइए आगे बढ़ते हुए कहना भैया इसके दीजिए। मैया हमारा तो हरे बना की जाना दानी मैया तू तो बाड़ू भोली हो, अब हरे लुखाली सबका सेवका के झोली हो। अच्छा यहाँ शंकर भगवान से प्यार कौन कौन करता है, जरा हाथ उठा करके बताएंगे। क्या बात है, माँ पार्वती से कौन कौन प्यार करता है, इधर ही के लोग प्यार करते हैं, आप लोग नहीं करते हैं। कहते हैं कि माँ के दरबार में वही भक्त सुपर होता है, माँ के दरबार में वही भक्त सुपर होता है जिन भक्तों का दोनों हाथ। तो यदि आप अपने आप को सुपर मानते हैं तो जरा दोनों हाथ उठा करके एक बार दिखाइए ना। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। एक औरत माँ के दरबार में जाती है, बड़ा प्यार से निहोरा लगाती है, अरदास लगाती है और कहती है कि यही एनर्जी निशा उपाध्याय को चाहिए। सभी लोग मेरा स्टेज प्रोग्राम देखते हैं, मैं कहीं भी जाती हूँ स्टेज प्रोग्राम में, जब तक मेरा ऑडियंस या
चिल्लाने वाले नहीं होते हैं ना, जब तक इधर से एनर्जी नहीं देते तो फिर मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। और मैं अपना बिहार छोड़ करके आप सबसे मिलने झारखंड आई हूँ, छपरा से आई हूँ, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग का पूरा सपोर्ट चाहिए, चाहिए ना जी। फिर सपोर्ट रहेगा तब तो फिर आप गवाते रहिए, फिर तो कोई बात नहीं है। औरत माँ के दरबार में जाती है, बड़ा प्यार से कहती है क्या जरूर बजाइए जब तक भक्ति का चलता रहे। क्या बात है, आई लव यू। मैं चाहूंगी कि हम लोग का तो आवाज दिख ही रहा है, साउंड जितना है हम लोग का उतना आवाज निकल रहा है, लेकिन आप लोग का कितना आवाज इधर एक बार चिल्ला करके दिखाएंगे जितने लोग हैं। ये रियल झारखंड वाले लोगों का आवाज नहीं दिख रहा है, ये तो और नहीं लग रहा है, एकदम थोड़ा जोर खुल के आइए पूरा एकदम। ये लग रहा है थोड़ा बहुत, इधर के लोग शांत थे। मैं चाहूंगी कि आप लोग कहीं पाकिस्तान से आए हैं क्या, यहीं के हैं ना, तो आप सभी में एकता नहीं है, है ना। तो जब चिल्लाने की बात करें तो मैं पूरे झारखंड वाले लोगों के लिए कह रही हूं, जितने लोग हैं आप पलामू के।